डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों या छोटे बच्चे को आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब इस तरह के बच्चे के साथ कोई बड़ी हादसा हो जाता है तो उसके मन में किस प्रकार की भावना आती है, किस प्रकार से उसका मन का दशा हो जाता है, वह क्या करना चाहता है, इसी तरह का यह एक चैप्टर दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ये चैप्टर 2 है और ये क्लास 7 का हिंदी बुक है। चैप्टर का नाम है काकी और इसमें एक छोटा बच्चा है, उसका नाम श्यामू है। तो इस कहानी को हम लोग संक्षिप्त में जान लेते हैं। श्यामू सुबह सुबह जब उठता है तो देखता है कि उसकी माँ, जिसको वह काकी बोलता है, उसकी माँ जमीन पर लेटे हुए है और उसे एक कपड़े से, एक कंबल से ढका हुआ है और लोग चारों तरफ खड़े होकर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उसकी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब लोग उसको उठाकर शमशान की ओर ले जाने लगते हैं तो उसको कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है और वह काफ़ी रोने लगता है, बड़ा उपद्रव मचा देता है। जब वह फूट फूट कर रोने लगता है तो लोग उसे समझाते हैं कि उसकी माँ कहीं नहीं गई है, उसके मामा के यहाँ गई है। लेकिन बात उसकी समझ में आ जाता है कि उसकी माँ, उसकी काकी जो रहती है, माँ को ही वह काकी बोलता है, उसकी माँ अब श्री राम के पास चले गए हैं, ऊपर राम के यहाँ चली गई है। श्यामू लगातार कई दिनों तक अपनी माँ की याद में रोते रहा, लेकिन धीरे धीरे रोना उसका शांत हो गया, लेकिन उसके मन की पीड़ा वो कम नहीं हुआ। एक दिन वह आसमान में पतंग उड़ते हुए देखता है और वह सोचता है कि अगर आसमान में पतंग जा सकता है तो फिर उस पतंग से मैं भी एक पतंग भेजूंगा जिससे कि मेरी काकी नीचे उतर आएगी। और वह अचानक से उसके दिमाग में आता है और वह अपने पापा के पास चला जाता है और कहता है कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अपनी मम्मी को वो काकी बोलता है और अपने पापा को काका बोलता है, तो उससे बोलता है कि मुझे एक पतंग मंगा दो। तो उसके पापा अपनी पत्नी की मृत्यु से काफ़ी परेशान थे, वो अनमने भाव से उनको बोल देता है कि अच्छा ठीक है मैं मंगा दूंगा, लेकिन उस बात पे ध्यान नहीं देता है। तो श्यामू कोई भी उपाय ना देखकर क्या करता है कि एक दिन जब घर में कोई नहीं होता है तो अपने पापा के कोट से एक चवन्नी निकाल लेता है और अपने दोस्त भोला को दे देता है और बोलता है कि किसी को मत बताना और मुझे एक पतंग ला दो। तो भोला उससे थोड़ा कुछ बड़ा रहता है, उसको एक पतंग ला के देता है। तो श्यामू अपने दोस्त को बतलाता है कि इस पतंग को मैं अपनी काकी के पास भेजूंगा और काकी जो है और राम के यहाँ से इस डोरी को पकड़ के वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से वो योजना बना लेता है। तो भोला तो जानता है, थोड़ा समझदार रहता है, इसीलिए वो बोलता है कि ये तो रस्सी काफ़ी पतली है, अगर काकी इससे उतरेगी तो रस्सी टूट जाएगा, उतर नहीं पाएगी। तो इस बात से श्यामू गंभीर हो जाता है कि अब क्या उपाय है। तो भोला उसको बतलाता है कि अगर रस्सी मोटी हो तो कुछ बात बन सकता है। तो फिर वो परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि मोटी रस्सी कहाँ से मिलेगी। फिर वही तरकीब अपनाता है, अपने पापा के कोट से एक रुपया निकाल लेता है और चुपचाप भोला को लाकर वो दे देता है और उसको कहता है कि भोला देखो मैंने बड़ी मुश्किल से यह पैसे जुटाए हैं, तुम किसी को मत बताना और चुपचाप रस्सी खरीद लो। और फिर अच्छी रस्सियाँ खरीद ली जाती है और पतंग भी खरीद ली जाती है। उसके बाद वो श्यामू जो रहता है, एक उसका जवाहिर भैया रहता है, तो उसके पास जाके अपने पतंग में काकी लिखवा देता है ताकि ये पतंग काकी के पास पहुँच जाए और उससे काकी नीचे उतर आएगी। तब दोनों योजना बना के एक अंधेरी कोठरी में घुसकर पतंग में रस्सी बांधते रहता है। तभी उसके पिता विश्वेश्वर जो रहते हैं, उनके पिता वहाँ पे अचानक से आ जाते हैं चिल्लाते हुए कि मेरी कोट से किसने रुपये चुराए। और जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं तो भोला जो रहता है डर जाता है और वह सारी बातें बतला देता है कि पैसे श्यामू ने निकाले हैं। तो उसके पिता काफ़ी गुस्से में रहते हैं और उसको कई तमाचे मारते हैं और फिर देखते हैं कि उन लोग कर क्या रहे हैं। वो देखते हैं कि एक पतंग बना रहे थे, वो पतंग को तो फाड़ देते हैं, लेकिन फिर फटे हुए पतंग में देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है काकी। तो भोला उसको बतलाता है कि श्यामू काकी को नीचे उतारने के लिए, राम के यहाँ से नीचे उतारने के लिए यह पतंग बना रहा है और डोरी को पकड़कर जो है काकी नीचे उतर आएगी। इस तरह से जब बतलाता है तो उनके पिता जो है इस बात को सुनकर अचंभित रह जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। इस तरह से इस चैप्टर के लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं, तो वे इस तरह से एक बच्चे के मनोभाव को दर्शाए हैं कि एक बच्चे के साथ जब इस तरह की घटना घटती है, इतनी बड़ी घटना घटती है, तो वो किस तरह से उसके मन में क्या क्या भाव उठते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई उसका अपना खो गया है, वह किसी न किसी तरह से चाहता है कि वो उनको वापस मिल जाए। वो कई तरकीबें अपनाता है, कई योजनाएँ बनाता है। यही इस कहानी में एक बच्चे के मनोभाव को दिखाया गया है। तो यहाँ पर यह चैप्टर की कहानी समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर 1 में, जैसे कि सभी चैप्टर में दिया हुआ है, शब्दार्थ दिया हुआ है, आप इसको पढ़कर याद कर लेंगे और इसमें इंग्लिश मीनिंग भी दिया हुआ है, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश का ज़माना है, इसीलिए हिंदी मीनिंग के साथ इंग्लिश मीनिंग भी दिया हुआ है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 में इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है
और 3 नंबर में भाव स्पष्ट करने के लिए कुछ दिया हुआ है, और 2 नंबर में इस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, निम्नलिखित में से सही उत्तर छांटो। तो ख नंबर में छोटे बच्चे अपनी माँ को बहुत अधिक प्यार करते हैं, यह इस चैप्टर में इस कहानी में दिखाया गया है। 4 में भाषा अध्ययन, जो कि इसमें कुछ हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस दिया हुआ है, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 में एक वचन रूप लिखने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुवचन लिखने के लिए कहा गया है, इसे आप स्वयं भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो, तो यह भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस तरह से तो यहाँ पे जो आवश्यक क्वेश्चंस है, तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ। यह है चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में उत्तर दीजिए, सवेरे नींद खुलने पर श्यामू ने क्या देखा? सवेरे नींद खुलने पर श्यामू ने देखा कि घर में कोहरा आम मचा हुआ है। श्यामू ने उपद्रव क्यों मचाया? लोग जब उसकी माँ को श्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने उपद्रव मचाया। बुद्धिमान गुरुजनों ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया था? क्या वह बात श्यामू के गले उतर सकी? बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के पास गई है, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के पास गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। श्यामू आकाश की ओर क्यों ताका करता था? श्यामू को इस बात का विश्वास हो गया था कि काकी राम के पास गई है। वह अपनी काकी को देख पाने की उम्मीद से आकाश की ओर ताका करता था। श्यामू ने पिता के पास जाकर क्या कहा? श्यामू ने पिता के पास जाकर कहा, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। श्यामू ने काकी को नीचे उतारने की क्या योजना बनाई? श्यामू ने काकी को नीचे उतारने के लिए राम के यहाँ पतंग भेजने की योजना बनाई। श्यामू ने अपनी योजना में किसको शामिल किया? श्यामू ने अपनी योजना में अपने मित्र भोला को शामिल किया। श्यामू किस बात से गंभीर हो गया? श्यामू रस्सी के टूट जाने की बात सुनकर गंभीर हो गया, वह और अधिक मोटी रस्सी के लिए सोचने लगा। श्यामू ने पिता के कोट की जेब से 1 रुपया क्यों निकाला? श्यामू ने रस्सी खरीदने के लिए पिता के कोट से 1 रुपया निकाला। श्यामू की पतंग देखकर विश्वेश्वर पर क्या प्रभाव पड़ा? वह हतबुद्धि होकर वहीं खड़े हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्रो लिखा हुआ है, नीचे लिखे वाक्यों का भाव स्पष्ट करो। 1 नंबर में तो इसका भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। श्यामू की माँ अर्थात काकी का जब देहांत हो जाता है तो वह बहुत रोता है। धीरे धीरे उसका रोना शांत हो जाता है, परंतु हृदय की पीड़ा अर्थात मन का दुख मिट ना सका। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ जा घुसे। पतंग की डोरी बांधने का शुभ कार्य हो ही रहा था, जिससे काकी को ऊपर राम के यहाँ से उतारा जा सके, लेकिन बाधा की तरह विश्वेश्वर क्रोधी का रूप धारण किए हुए वहाँ आ पहुँचे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। विश्वेश्वर ने पहले तो श्यामू को कई तमाचे मारे, परंतु जब वह पतंग बनाने का कारण जाने, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे द्रवित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वाक्य बनाने के लिए कहा गया है, भय भोला भय के मारे मुखबीर बन गया। ठंड ठंड के मारे बच्चे कांप रहे थे। हंसी भोला हंसी के मारे बोल नहीं पा रहा था। क्रोध क्रोध के मारे विश्वेश्वर की आंखें लाल हो गई थी। जिद श्यामू ने जिद के मारे पतंग खरीदा था। तो यहाँ पे सभी वाक्य में के मारे लगाकर बनाने के लिए कहा गया है, इसीलिए इस तरह का बनाया गया है। उसके बाद भाषा अध्ययन में हिंदी व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से 2 नंबर में विलोम शब्द लिखो, इसको उल्टा शब्द लिखने के लिए कहा गया है, सत्य असत्य प्रकाश अंधकार भय निर्भय अमर मर्त्य। और क्वेश्चन नंबर 3 में दो दो पर्यायवाची लिखो, विश्व संसार जग रुदन विलाप रोना क्रोध रोष गुस्सा। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।